किया जाएगा, लेकिन इस देश में पेट्रोल और डीजल में ये लोग जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। देखो कि 30 रुपए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान जिसको ये प्रतिदिन तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, समाजवादी पार्टी की एक किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर आए हैं। जब हम बांदा और महोबा की सीमा में आए, हजारों किसानों ने, हजारों नौजवानों ने इस किसान यात्रा का, नौजवान यात्रा का, पटेल यात्रा का स्वागत किया है। पूरे प्रदेश के अब तक 38 जिले में मैं 38 दिनों में यात्रा कर चुका हूँ। हर जगह किसानों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, नौजवानों में बहुत असंतोष है, समाज का हर वर्ग पीड़ित है भाजपा की दोहरी राजनीति से। भाजपा ने जो कहा वो नहीं किया, किसानों से कहा कि आपका फसल का लागत से डोढ़ा देंगे, लेकिन किसानों को महंगाई बढ़ा करके किसानों का लागत मूल्य भी नहीं मिला। और भाजपा का प्रधानमंत्री झूठ बात करते हैं, झूठ, और किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात करते हैं, कभी लागत नहीं जोड़ते। किसान की फसलों का लागत जोड़ करके डोढ़ा देने की बात थी तो दीजिए, MSP गारंटी देने की बात थी तो MSP की गारंटी दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करिए। और भारत सरकार एक वर्ष से जो किसान बैठे हुए दिल्ली में जाड़ा गर्मी बरसात को झेल करके, उन किसानों की बात भारत के प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं और डेली सिर्फ हवा हवाई बातें करना, देश के लोगों को गुमराह करना, भारत की आर्थिक व्यवस्था को चौपट करना, भारत की जो आर्थिक विषमता है उसे लगातार बढ़ाना, भारत की सामाजिक विषमता को बढ़ाना। बीजेपी के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ध्वस्त से पूरा प्रदेश का वातावरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी से नाराज है। पूरा प्रदेश जल रहा है, पूरे प्रदेश के किसान कि लखीमपुर की खीरी की घटना को निंदा करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उस घटना पर सरकार को सुझाव दिया कि आप 2 करोड़ रुपए आप प्रति व्यक्ति को दीजिए, आप किसानों को, एक परिवारों को, एक आदमी को नौकरी दीजिए, आप जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, तो अखिलेश यादव जी को रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में ऐसा तो होता नहीं, पक्ष विपक्ष सब होता है, कोई भी आदमी पीड़ित होता है, पीड़ित आदमी के दर्द को समझने के लिए विपक्ष भी जाता है। मंत्री की बेटी पर आरोप, मंत्री को इस्तीफा नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर जरा से भी नैतिकता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। आदित्यनाथ लगातार लाल टोपी वालों को गुंडा कह रही है, गुंडा पार्टी कहती है कि सरकार को गुंडों की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। मुख्यमंत्री को भाषा, मुख्यमंत्री की मर्यादा, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया, जब जो मनमाना कह दिया, चाहे पत्रकारों के ऊपर, हमने सुना था। समाजवादी पार्टी लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव से, चौधरी चरण सिंह से लेकर जनेश्वर मिश्रा तक और मुलायम सिंह यादव तक, सब लोग लाल टोपी लगा करके आज़ादी के समय भारत को आज़ाद कराया। और भारत का लोकतंत्र जब खत्म हो रहा था, आपातकालीन समय में लाल टोपी वालों ने ही परिवर्तन किया था, पुनः लाल टोपी इस प्रदेश में परिवर्तन कर देगी।